जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स, कोलकाता पुलिस की तरफ से आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। यदि आप सभी भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप कोलकाता पुलिस फॉर्म का ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए हम इसमें जानते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टोटल कितनी वैकेंसी जारी की गई है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से आप सभी को यहाँ पे कोलकाता पुलिस में भर्ती निकाली गई है, जो कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। ये नोटिस आप सभी को देखने को मिल जाएगा, फुल नोटिस जारी किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। यदि आप ये नोटिस प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके नोटिस जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कांस्टेबल लेडी एंड कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस, ठीक है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है वैकेंसी जारी किया गया है। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है एज के बारे में, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी लेस देन 18, ठीक है, और ईयर्स ओल्ड एंड मस्ट नॉट बी मोर देन 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आप सभी का एज जो है काउंट किया जाएगा 1/1/2024 से, ठीक है। यहाँ पे 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपका 13 ईयर्स यहाँ पे एज जो है होनी चाहिए। चलिए नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके नीचे आप सभी को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो भी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आप सभी ओबीसी कैंडिडेट के SC ST कैंडिडेट के जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे आप सभी को मिलने वाला है 3 ईयर्स का, और बाकी के जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं उन सभी को यहाँ पे 5 ईयर्स को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है। यदि आप कोलकाता पुलिस फॉर्म का जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि द एप्लीकेंट मोस्ट हैव पासड माध्यमिक एग्जामिनेशन फॉर्म द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन क्विट्स इंप्लॉयमेंट, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स जो है 10वीं पास होना यहाँ पे कंपल्सरी है, यानी आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे 10वीं पास जरूरी है, ठीक है। आप लोग 10वीं पास किए हैं तभी आप लोग इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यदि आप लोगों को बंगाली, ठीक है, बंगाली बोलना आता है तभी आप लोग इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ नोटिस में मेंशन किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट इन बंगाली लैंग्वेज, यानी आप सभी को बोलना बंगाली और लिखना भी आप सभी को आना चाहिए तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो एक 15 नंबर का आप सभी को इंटरव्यू होता है जो कि यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का आप सभी को यहाँ पे टेस्ट होगा। यदि आप वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फाइनली आप लोग को यहाँ से बाहर होना पड़ जाएगा। आप लोग रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे, बशर्ते जो है आप सभी को लास्ट स्टेज में आप सभी को यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बाहर हो सकते हैं, तो आप लोग सोच समझ करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बंगाली लैंग्वेज आप सभी को बोलना और पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को देखने को मिले। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे पदों का विवरण देख सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी ऑन रिजर्व के लिए जो है यहाँ पे 519 रखा गया है, ठीक है, कांस्टेबल के लिए, और लेडी कांस्टेबल का इसमें 35 पोस्ट है, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो जो भी अलग अलग कैटेगरी है उसमें आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3,464 वैकेंसी है, और टोटल लेडीज़ पुलिस के लिए यहाँ पर है, लेडी के लिए 270 वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स एरिया के बारे में, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, इंडिया के निवासी यदि आप लोग हैं तो यहाँ पे किस भी स्टेट से हैं तो आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनको बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ने लिखने आता हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग फाइनली यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे अपर एज में आप सभी को यहाँ पे छूट भी मिलने वाला है 3 ईयर्स का और 5 ईयर्स का, जो भी ओबीसी कैंडिडेट है और SST कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया, आप सभी को बता ही दिए माध्यमिक एग्जामिनेशन आप सभी को पास होना चाहिए, लैंग्वेज के भी बारे में यहाँ पर रखा
या जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे लेडी कांस्टेबल में ही फीमेल कैंडिडेट केवल यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट में दिया गया है कि मेल एंड थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर एलिजिबल टू फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस में ही यहाँ पे इस जो है इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जब आप लोग यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप सभी को यहाँ पे PMT होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखा गया है 1.67, वेट यहाँ पे 57 kg, चेस्ट मिनिमम आप सभी को जो है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, फुला करके 83 सेंटीमीटर यहाँ पे होने चाहिए। एक्सपेंशन आप सभी को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोरखा घरवाली यहाँ पे जो भी कास्ट से आते हैं उन सभी को यहाँ पे 1.60 हाइट रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट को 1.60 यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि आप सभी देख सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे होने वाला है द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल इन द कोलकाता पुलिस सेल बी फिलेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ पे प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे टेस्ट, उनको यहाँ पे जो है PMT होने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप सभी को यहाँ पे रनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद जब आप लोग ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो फाइनल रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद आप सभी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे उन सभी को यहाँ पे इंटरव्यू होता है, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम की यदि हम बात करें तो 100 मार्क्स का आप सभी को होने वाला है, 40 मार्क्स का आप सभी को यहाँ पर जनरल नॉलेज का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 13 नंबर का होगा, रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को 13 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक गलती यदि आप लोग करते हैं तो आप सभी को एक मार्क्स यहां पे कट जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहां पे प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उन सभी को यहां पे जो है PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप सभी को यहां पे 1600 मीटर का रनिंग करना होगा। मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट के यहां पे समय मिलता है, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर यहां पे रनिंग करना होगा, 4 मिनट्स के यहां पे समय मिलने वाला है, और थर्ड जेंडर का यहां पे 800 मीटर का रनिंग होगा, जो कि यहां पे 3 मिनट्स का टाइम मिलता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को एक सर्विस मैन वालों के लिए यहाँ पे अलग से रनिंग के बारे में दिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे PET PMT यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे तो उन सभी को फाइनल रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पे दिया है PMT एंड PET केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहाँ पे आप सभी को मार्क्स जो है नहीं जुड़ने वाला है। फाइनल रिटर्न एग्जामिनेशन आप सभी को 85 मार्क्स का होगा, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। MCQ होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को रहने वाला है, जो कि आप सभी को 1 आवर का समय मिलने वाला है, 1 घंटा आप सभी को मिलेगा। और ये लैंग्वेज जो होगा पेपर का बंगाली एंड नेपाली में ही होगा। तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दें कि यहाँ पे हिंदी मीडियम में आप सभी को जो है नहीं आने वाला है पेपर, केवल बंगाली और यहाँ पे नेपाली में आएगा। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फाइनली आप सभी को बेकार चला जाएगा पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल हम सिलेबस का, तो आप सभी को यहाँ पे जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स इंग्लिश का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 होगा, रीजनिंग यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग आप सभी को यहाँ पे भी 1/4 रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो यहाँ पर फुल मार्क्स का आप सभी को 15 नंबर के यहाँ पर जो है इंटरव्यू होने वाला है, जो कि यहाँ पर कैंडिडेट एबिलिटी जो है टू स्पीक इन बंगाली विल ऑल्सो बी टेस्टेड इन हिज इंटरव्यू, ठीक है। आप सभी को इंटरव्यू लिया जाएगा बंगाली लैंग्वेज। उसके बाद आप सभी को वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप सभी को एक वाइनिंग अथॉरिटी दिया जाएगा, उसके बाद पीरियड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल कैंडिडेट यहाँ पे जो भी है 150 रुपये लगने वाले, प्रोसेसिंग फी 20 रुपये, 170 रुपये टोटल पेएबल होगा, ठीक है। बाकी SC कैंडिडेट के यहाँ पे नील रखा गया है, 20 रुपये के प्रोसेसिंग फी लगेगा, 20 रुपये आप सभी को यहाँ पे चलान लगने वाला है, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जो है जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदर कैंडिडेट अदर स्टेट का फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होने वाली है सिलेक्शन लेने में। तो मेरे दोस्त इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।